नमस्कार, रिजुवनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर के मध्य में पलासे एरिया में जंजीर वाले चौराहे पर स्थित है। सेंटर पर एक लश ग्रीन गार्डन है, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह सेंटर आपके स्वागत के लिए, आपके हेयर की प्रॉब्लम्स के लिए, हर प्रकार के लिए तत्पर है। यहाँ पर डॉक्टर अनिल गर्ग प्लास्टिक सर्जन और डॉक्टर सीमा गर्ग दो सर्जन है, जो दोनों ही डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर स्टूडेंट सर्जरी है। जब आप यहाँ आते हैं, आपके स्वागत के बाद में आपको कंसेंट फॉर्म दिया जाता है और कंसेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि आप साइन करने से पहले समझें, और उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर, पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन सब लिया जाता है। हिस्ट्री एक बार पुनः पूर्णतया रिव्यू की जाती है और एक जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। जिस दौरान सेंसिटिविटी का रिजल्ट आता है, उसी दौरान आपके बेसिक फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है फोटोग्राफ्स लेने की, और इसमें किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी को कभी भी एक्सपोज नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद में आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन की जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर लाइन डिज़ाइन करना सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के बावजूद यदि हेयर लाइन को गलत डिज़ाइन किया तो अननेचुरल लगेगा। ज़्यादा नीचे हेयर लाइन बना दी गई तो पीछे का हिस्सा गंजा रह जाएगा या फ्यूचर में गंजा होगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। हेयर लाइन डिज़ाइन में सारे एस्थेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। डॉक्टर अनिल या डॉक्टर सीमा गर्ग हेयर लाइन डिज़ाइन बनाने के बाद में आपसे और आपके साथ रिलेटिव्स, ब्रदर, मदर या फादर से उसके बारे में आपकी राय लेते हैं, और जो भी फाइनल किया जाता है आपकी राय के पश्चात ही किया जाता है। सर्टेनली उसमें काफ़ी हम डिस्कशन में टाइम भी देते हैं। कई बार पेशेंट की रॉन्ग चॉइस होती है, वो कहते हैं नीचे बना दीजिए, राउंड कर दीजिए, तो हम उनको बताते हैं कि ये जो आप बनाना चाह रहे हैं वो नेचुरल नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है बाल उगने के बाद में कैसा आएगा। यहाँ पर हम हमेशा टेम्पल एरिया को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि टेम्पल एरिया का मीन साइड का एस्थेटिक ऑफ फेस के अंदर बेहद इम्पोर्टेंस होती है। हर पॉइंट को बहुत गहराई से डिज़ाइन किया जाता है, उसको एक्नॉलेज किया जाता है, आपको उसके बारे में समझाया जाता है, और फिर हेयर लाइन फाइनल की जाती है। ये टेम्पोरल एरिया है, अक्सर पेशेंट मना कर देते हैं, लेकिन हम बता दें आपको किस टेम्पोरल एरिया की बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में हेयर लाइन फाइनल होने के बाद में आप ये देख रहे हैं जो मैं एरिया बता रहा हूँ, अक्सर यहाँ से गलती से बाल ले लिए जाते हैं। ये रिट्रोग्रेड एलोपेशिया है, मतलब इस एरिया से यदि बाल लिए गए हैं या लिए जाते हैं तो वो झड़ जाएंगे। अतः मैंने उस एरिया को अलग से डिमार्केट कर दिया है कि उस एरिया से मेरे को बाल नहीं लेने। उसके बाद शुरू होता है, आपकी शेविंग की जाती है। शेविंग से करने से पहले हमारा असिस्टेंट स्टाफ आपको समझाता है, और आपके कंसर्न देने के बाद में एरिया की शेविंग की जाती है। कुछ लोग शेविंग नहीं चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम प्लान को एडजस्ट भी करते हैं। आप देख रहे हैं ये मार्क एरिया, उससे हम बाल नहीं लेंगे। हेयर लाइन डिज़ाइन जो की जाती है उसको फ्रीज कर दिया जाता है टेप लगा के, जिससे कि वो ख़राब या हेड वॉश में साफ ना हो जाए। आपको ओटी में ले जाता है, आपका ब्लड लिया जाता है। ये ब्लड आपके लिए पीआरपी तैयार करने के लिए होता है, और इसमें प्लाज्मा बनाया जाता है। हम एक इमरजेंसी लाइन इंट्राकैथ हमेशा पेशेंट को लगा के रखते हैं, प्रायकर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और अक्सर हम एक सेडेटिव भी इंजेक्ट करते हैं। पूरी सर्जरी के दौरान आपके मॉनिटरिंग की जाती है। ये सेव डोनर एरिया की मार्किंग की जा रही है। सेव डोनर एरिया वो होता है जहाँ से बालों की जड़ें लेने पे और जहाँ गंजा हिस्सा है वहाँ पर बाल लगाने के बाद में वो झड़ते नहीं है, इसलिए इसको सेव डोनर एरिया कहा जाता है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाल सेव डोनर एरिया से ही लिए जाएं। उसके बाद में अनस्थीशिया दिया जाता है। अनस्थीशिया के दौरान हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। बहुत बारीक सुई काम में ली जाती है, वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि आपको कम से कम दर्द हो।
अनस्थीशा हो जाने के बाद में रिसिपिएंट एरिया में स्लिट क्रिएट की जाती है। आप ब्लेड देखते हैं, एंगल्ड ब्लेड है, और उसके बाद मैं और डॉक्टर सीमा बोथ सर्जन जो हैं स्लिट क्रिएट करते हैं। स्लिट क्रिएट करने के लिए भी हम हाई क्वालिटी का मैग्नीफिकेशन काम में लेते हैं जायज लूप के द्वारा। ये स्लिट क्रिएशन है, ये सर्जन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है बालों की जड़ों को निकालने का। आप ये देख रहे हैं बहुत ही स्पेशल चेयर है, इसके अंदर पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। एक एक बालों की जड़ को FUE मशीन द्वारा पंच किया जाता है और एक एक जड़ को निकाला जाता है। मैं और डॉक्टर सीमा दोनों साइमल्टेनियसली करते हैं, जिससे कि ऑपरेशन का टाइम आधा हो जाता है। प्रायकर हम 3000 जड़ें एक दिन में कर लेते हैं। हमारे पास 10 से 12 का स्टाफ है जो ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, फुल टाइमर है और 10 साल से ज़्यादा समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये आप देखिए एक एक जड़ को। अब ये आपका ब्लड जो हमने शुरू में लिया था वो है, इसका प्लाज्मा आप देख रहे हैं। फिर इस प्लाज्मा से सेकेंड सेंट्रीफ्यूज करके PRP तैयार किया जाता है। ये PRP का प्रिपरेशन है। नीचे आप प्लेटलेट्स देख सकते हैं, ये बफी कोड है। इसको मिक्स किया जाता है प्लाज्मा में और 2 से 3 ml PRP तैयार की जाती है, जो आपके रिसिपियंट एरिया में और बाकी एरिया में भी उसको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे जो आपकी जड़ें कमजोर हैं। PRP इंजेक्ट करते वक्त किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। ये प्लाज्मा है जिसमें आपकी जड़ों को रखाया जाएगा। इससे आपकी जड़ों को न्यूट्रिशन मिलेगा और उनको प्रोटेक्शन मिलेगा 3D फिब्रिन स्कैफोल्ड के रूप में। इससे ग्रोथ जल्दी आती है और अच्छी क्वालिटी की ग्रोथ होती है। ये हमने रिसर्च करके भी हमारे सेंटर पे प्रूव किया है। ये आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत हैं जड़ें जो FUE टेक्निक से निकाली गई है। अब इसके बाद शुरू होता है एक एक जड़ को इम्प्लांट करने का प्रोसेस, जिसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर नो टच टू रूट टेक्निक का उपयोग किया जाता है। यह टेक्निक में रूट को टच नहीं किया जाता है, सिर्फ उसके सिर से मीन्स बाल की साइड से बाल को पकड़ के डाला जाता है। तो डेलिकेट फॉलिकल का कोई भी पार्ट इसमें टच नहीं होता है। वो जो सेल्स है वो डैमेज नहीं होती है। डैमेज नहीं होने के कारण हेयर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, नॉर्मल थिकनेस की होती है और जल्दी आती है। ये फाइनल आप देख रहे हैं सारी जड़ें, 3000 के करीब जड़ें जो एरिया डिज़ाइन किया था उसमें लगा दी गई है। टेम्पोरल एरिया को भी काफ़ी खूबसूरती से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। हेयर लाइन डिज़ाइन बिल्कुल नेचुरल लगती है। आगे की लाइन में कुछ बाल आगे पीछे होते हैं, लाइन के रूप में नहीं दिखती। ये डोनर एरिया आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेव डोनर एरिया से जड़ों को निकाला गया है, अतः वो जड़ें बाद में भी गिरती नहीं है। ये किसी अन्य पेशेंट का फोटोग्राफ है, 11 दिन बाद हेड वॉश के बाद में जो 10 दिन बाद देते हैं उसका फोटोग्राफ है। मैक्सिमम स्कैप्स निकल गए हैं, बाल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ये डोनर एरिया है। जड़ें निकालने के बाद में भी आप देखिएगा डेंसिटी नॉर्मल सी दिखती है और किसी भी प्रकार का कोई मार्क आपको वहाँ पर नहीं दिखता है, क्योंकि हम हाई क्वालिटी के कोल सरेटेड अल्ट्रा शार्प पंच का उपयोग करते हैं। उससे हमारे मैक्सिमम केसेस में कभी कोई मार्क नहीं बनता है, शेविंग हो जाए उसके बाद में भी। और अभी आप देख रहे हैं डेंसिटी भी बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है। ये हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है, ये उस पेशेंट का नहीं है जो हमने आपको शुरू में दिखाया। इनमें हमने 2 दिन ट्रांसप्लांट किया है। या आप इनके फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राफ्ट हम आपको बता रहे हैं। ये बिल्कुल नेचुरल लुक है, कोई कह नहीं सकता कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है, और यही आर्ट है एक हेयर लाइन को बनाने का। अतः दोस्तों रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर सभी प्रकार की टेक्निक का उपयोग किया जाता है, एडवांस मशीनें हैं, सारे इथिकल प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, सारी इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स हैं। प्रायकर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमारा सेंटर, हमारे स्टाफ और डॉक्टर्स की टीम किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन या परेशानी के लिए तैयार रहती है। आपको और जानकारी चाहिए तो आप ये जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।